सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है। जमील, एक जलसा इमरान खान ने अब से कुछ देर कबल किया था मियांवाली में, दूसरा जलसा मुस्लिम लीग नून ने किया आज फतेहजंग में, क्या कोई मवाजना करना चाहेंगे आप? देखें, इमरान खान साहब को आप जितना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से सेटिस्फाइड कर दें, उनके जलसे बड़े चार्ज्ड होते हैं, उनकी जो प्रेजेंस होती है अवाम की उनके जलसों के अंदर, वो बाकायदा तौर पर अपने मुंह से खुद बोल रहे होते हैं। मरियम नवाज साहिबा का फतेह जंग में पावर शो सिर्फ खान साहब की तकलीद में हुआ है, और वो क्योंकि जलसे खान साहब ने एक इनिंग शुरू की है तो उन्होंने भी कर दी है। लेकिन आप ये देखिए कि 8 घंटे करोड़ों लोग मौजूद थे, और मेन गेट से स्टेज तक पहुंचने में मरियम नवाज शरीफ साहब को 8 घंटे लगे हैं, यानी दोपहर 4 बजे का टाइम था, 9 बजे इतनी बड़ी तादाद थी। मैं सार्केस्टिक वे में कह रहा हूं कि उनको पहुंचने में इतना टाइम लगा है। तो अब आप, वो क्या बोल रही थी पब्लिक से, वो आप उनके जुमले सुनिए। मतलब वो कह रही है कि इमरान खान के इन धरनों लॉन्ग मार्चेस से हम कौम को निजात दिलाने आए हैं। तो भाई, आप लोगों ने महंगाई मुकाओ मार्च का आगाज किया था जब खान साहब की गवर्नमेंट गिराने लगे थे, आप क्यों कह रहे हैं कि 70 रुपए पेट्रोल बढ़ाना है, क्यों कह रहे हैं कि 30 रुपए डीजल बढ़ाना है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमने? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।